हेलो बच्चों नमस्कार एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है सी ए सी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जे बी सर तो हर रोज की बात ही थोड़ा सा आज टेक्निकल एरर आ गया पंद्रह मिनट सेशन लेट शुरू हुआ है दोस्तों एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को यार शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और डेफिनेटली अपनी नोटबुक को निकाल लीजिएगा यार आज हम बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं पिछली बार भी ये सेशन में लेके आया था और उस सेशन में भी हमने सारी चीजें कवर की थी और सी एस आई आर नेट ने चार नंबर का सवाल पूछा भी था तो आइएगा आज हम हमारा टॉपिक पहले ही आपको थंबनेल पे दिख गया है सीएफटी डायग्राम ऑफ ओल्ड कॉम्प्लेक्स और थंबनेल पे जितनी फोटो लगी हुई है प्यारे बच्चों उतने ही हमें सीएफटी डायग्राम आज सीख के जाने हैं और डेफिनेटली मान लीजिएगा एग्जाम में अगर फिर से सीएफटी डायग्राम का सवाल आया तो आज के सेशन से आपका पूरा काम हो जाएगा शुरुआत करते हैं यार जल्दी से जल्दी एक बार बच्चों कनेक्ट हो जाइएगा यार अब शेयर करना आपकी आपकी जिम्मेवारी है सही है शुरुआत करते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग ज्योति दीपिका सुमित उषा आर के रेणु का सोनी आकांक्षा चलिएगा दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाइएगा थोड़ी पिछली बातों से सेशन की शुरुआत करेंगे हम सही है देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई बड़ा ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन आज बिल्कुल आसान करके जाऊंगा आज के सेशन के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सही है अगर हम बात करते हैं यार सी थ्योरी की तो सर जी सी डायग्राम की हम आज बात करेंगे और बेसिक बेसिक डायग्राम तो सर हमने थ्योरी में पहले भी खूब पढ़े हुए हैं सही है वहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे और देखो आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आज के सेशन में है पहले टॉपिक को कवर करेंगे बाद में इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सही है तो चलिएगा एक बार कनेक्ट हो जाइएगा यार देखो शुरुआत करते हैं सही है सी डायग्राम की मैं एक बार बता देता हूं मोटा मोटी बात हमें किस किस का सी डायग्राम पढ़ना है सर जी अगर बात करें ओक्ता हैडल का साहब हमने पढ़ा हुआ है बात करें हम क्यूबिक का हमने पढ़ा हुआ है बात करें हम टेट्रा हेडल का पढ़ा हुआ है बात करें हम किसका स्क्वायर प्लेनर का सर पढ़ा हुआ है सही है इन चारों से ही शुरुआत करूंगा और फिर आगे हम किन किन का पढ़ेंगे ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स का पढ़ेंगे लीनियर कॉम्प्लेक्स का पढ़ेंगे भाई साहब स्क्र एंटी प्रिस्मेट्रिक का पढ़ेंगे ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक का पढ़ेंगे और स्केयर पायरेमिडल टीबीपी और क्या सर जी और हमारे पास पीबीपी पी इन सब का हमें और एक और होता है क्या टी, टी सही है तो ओवरऑल 12 से 13 तेरह डायग्राम आज हम इस सेशन में रिवाइज करेंगे और आपको सारी चीजें सेशन के थ्रू ही याद हो जाएंगी सही है चलिएगा दोस्तों कनेक्ट हो जाइएगा फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कनेक्ट हो जाइएगा सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों सुनना ध्यान से समझना सी थ्योरी के बारे में दो बातें आपको बता देता हूं सर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी ये सोलिड स्टेट फिजिक्स थ्योरी है इसमें हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में सर हंड्रेड परसेंट आइटनिक इंट्रेक्शन होता है मेटल पे यहाँ पे हम मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है सी मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करती और सर हमने ये भी पढ़ा था लीगेंड जो होगा या तो हमारे पास लीगेंट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा अगर न्यूट्रल है तो उस पर डाइपोल प्रेजेंट होगा ये सारी बातें आपने पढ़ी थी सही है तो चलिएगा शुरुआत करूंगा मैं ओक्टाडल से और खत्म करूंगा मैं आपको ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल पे एक एक चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे फटाफट कनेक्ट हो जाइएगा आ जाओ सर जाइएगाडल का तो हमें याद है लेकिन कोई बात नहीं यार एक बार फिर से देख लेते हैं सर ओक्टा हेडल में हमने पढ़ा था सर डी ऑर्बिटल होते हैं पांच और सबसे पहले डी हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में होता है और फिर प्राइमरी इंट्रेक्शन होता है तो डी के डब्बे हमारे पास कहा चले जाते हैं सर जी ये डी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर सर हमारे पास स्प्लिटिंग हो जाती है ओक्ता हेडल का तो हमें पता है सर जी तीन डब्बे नीचे आ जाते हैं दो डब्बे ऊपर चले जाते हैं इसको हम बोलते हैं इजी इसको हम नाम दे देते हैं टी टू जी सर ये जो बीच में वेटेड एवरेज एनर्जी जो होती है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर तो सर हमारे पास दो डब्बे बैरी सेंटर के ऊपर लाई करते हैं और तीन डब्बे हमारे पास नीचे लाई करते हैं और सर ओक्टा एडल कॉम्प्लेक्स में हमने सी एफ एस सी कैलकुलेट करनी सीखी वो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टारगेट है मिसलेनियस जो टॉपिक है मिसलेनियस जो सी एफ टी डाय वो आज हमें कवर करने है जहां से पिछली बार भी चार नंबर का सवाल पूछा गया था सही है ओक्टा तो एडल का तो सबको पता है सही है अगर सर बात करते हैं दूसरा अगर ओक्टा एडल तो में सर तो लीग जो है वो जनरली अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस एक्सिस और के अलोंग जो ऑर्बिटल होते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो प्राइमरी इंट्रैक्शन होता है प्राइमरी इंट्रैक्शन हमारा एक्साइटेशन करवाता है सेकेंडरी इंट्रेक्शन स्प्लिट करवाता है क्लियर है ओक्टा एडल का तो सबको तो 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 पता है सर सी डायग्राम हमें आता है सही तो जी है तो सिमिलरली आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से पहले हमने पढ़ा था क्यूबिक का तो सर सबसे पहले क्यूबिक की अगर हम बात करें क्यूबिक में हमारे पास लीगेंट आते हैं अलोंग द कॉर्नर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सर प्राइमरी इंट्रैक्शन की वजह से डी ऑर्बिटल जो ग्राउंड स्टेट में बैठा होता है ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में सर फिर हमें पता चलता है कि भाई साहब लीगेंट जो अप्रोच करते हैं क्यूबिक कॉम्प्लेक्स में वो बिटवीन द एक्सिस से आते हैं सही है और बिटवीन द एक्सिस आते हैं तो सर उस केस में हमें हमने पढ़ा हमने पढ़ा क्या पढ़ा सर जी हमारे पास जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और सर डी ऑर्बिटल का सारा खेल है यहाँ पे तीन डब्बे ऊपर चले जाते हैं दो डब्बे नीचे होते हैं इनका नाम होता है डी टू जी इनका नाम होता है ई जी ये था क्यूबिक की कहानी ये थी क्यूबिक की कहानी सही है दूसरा सर ये जी और यू हम लगाते हैं हमने पढ़ा था जनरली अगर हम बात करते हैं ध्यान से सुनना बच्चों हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था जिसमें हमारे पास जिस भी कॉम्प्लेक्स में इनवर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है तो वहां हम जीरेड और अनजीरेड की बात करते हैं मूलिकन सिंबल हमने पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में सर ये उसका एप्लीकेशन है सही है तो ये तो आपके पास था क्यूबिक का सेम सर टेटरा हेडल का बनता है बस टेट्रा एडल में क्या होता है हमारे पास जो लीगेंट आते हैं वो भी अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब से आते हैं बिटवीन द एक्सिस से आते हैं उसमें बस सर हमारे पास इनवर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता इसलिए नाम नाम रखते हैं t2 और e सही है तो टेट्राहेड्रल का आपका ये बन गया था टेट्राहेड्रल का आपका ये बन गया था सही है क्योंकि आज की जो क्लास है ना उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा मिसलेनियस पे सही है हाँ बिल्कुल सही बात है सुमित लास्ट टाइम चार नंबर का सवाल आया था tbbp से और मैं कह रहा हूं क्या पता अगली बार फिर से सवाल पूछा जाए तो यार आज की क्लास आपकी 4 नंबर की हो जाएगी सही है चलिएगा बाकी सी एफ टी का जो एप्लीकेशन पार्ट था जे टी डी वो मैं रिवाइज करने नहीं आया हूँ केवल आपको सी एफ टी डाय सिखाने आया हूँ मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स का वो हम सीख के जाए सही है उसके बाद सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें चलो बता दो मेरे को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को भी एक बार देख लेते हैं फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सर जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो सी एफ टी डायाम था सर वो हमने पढ़ा था किसके हेल्प से सर जी जे टी डी की हेल्प से किससे समझा था हमने जेटीडी की हेल्प से सर जी डी ऑर्बिटल का ग्राउंड स्टेट से प्राइमरी इंट्रैक्शन होता है तो हमारे पास डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और सर पहले हमारे पास बनता है ओक्टा हेडल की बात करते हैं वहां पे ओक्टा हेडल में दो डब्बे ऊपर जाते हैं तीन नीचे आते हैं इनका नाम होता है इजी और इनका नाम होता है टी टू जी फिर हमने ये पढ़ा था इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर की जो अलोंग जेड एक्सिस जो दो लीगेंट है वो अगर जेटीडी की वजह से अगर आते ही नहीं है तो सर फिर हमारे पास अलोंग z एक्सीज जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि वहां पे सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं हो पाता यही आपने पढ़ा था चलिएगा फटाफट चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल जो सबसे नीचे नीचे जो एनर्जी में आता है वो कौन सा आता है सर जी नीचे एनर्जी में हमने पढ़ा था दो ऑर्बिटल आते हैं डी एक्स जड और डी वाई जड और सर यहां से यहां से जो डी जड स्क्र होता है वो भी हमारा नीचे चला जाता है डी जेड स्क्र नीचे आ जाता है यहां से डी एक्स डी एक्स वाई ऊपर चला जाता है और ये डी एक्स स्क् माइनस वाई सबसे ऊपर होता है ये हमारा होता है सर अगर मेटल एटम थ्री डी सीरीज का हो किसका हो थ्री डी सही है थ्री डी में सर हमने पढ़ा था क्रॉस ओवर होता है क्रॉस ओवर सही है अगर मेटल आ जाता है किसका सर जी मेटल आ जाए फोर डी और फाइव डी तो वहां हमने पढ़ा था वहां ओवरटेकिंग भी होता है सबसे नीचे जो है सर वो डी जेड चला जाता है सबसे नीचे डी जेड स्क्र चला जाता है ये इससे ऊपर रहते हैं दो डब्बे और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई मिलेगा, ये एक्स मिलेगा। ये मिलेगा मिलेगा कहानी थी डायग्राम ऑफ प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर थ्री डी का मेटल है तो सर वहां पे हमारे पास क्या होता है ओनली क्रॉस ओवर होता है अगर फोर डी और फाइव डी का मेटल है वहां क्रॉस ओवर भी होता है और ओवरटेकिंग भी होता है। ये हमने पढ़ा था सही है तो प्यारे बच्चों अगर हमसे स्क्र प्लेनर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी की बात की जाए ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी मैंने आपको सिमेट्री भी बताई थी सिमेट्री भी याद होनी चाहिए सही है अगर मैं आपसे कहूं ध्यान देना बच्चों सिमेट्री की बात करें तो याद करो डी एक्सजेड वाई जेड की सिमेट्री क्या होती है सर जी इजी होती है सही है बोलो हमने स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का पॉइंट ग्रुप भी पढ़ा था सर डी फोर एच होता है और वहां पे इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट होता है और जहां इन्वर्जन सेंटर आ जाता है तो वहां जी और यू की बात हम करते हैं ये ग्रुप थ्योरी में भी हमने में हमने एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा था क्लियर है उसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्वायर स्क्वायर की की सर की सिमेट्री क्या क्या आपसे आप फिर से कह रहा हूं आपसे इनकी सिमेट्री भी पूछी जा सकती है इनकी सिमेट्री भी पूछी जा सकती है चले आगे चलिएगा ये कहानी थी एक बेसिक सी जो हम पढ़ते हैं सी एफ टी डायफ ओक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स क्यूबिक कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर डैलो की अगर बात करें इनमें ध्यान से सुनना बच्चों डेलो की अगर बात करें देखो सवाल भी आएंगे पहले चीजों को समझना है और फिर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं क्वीज भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ तो प्लीज काइंडली हर क्वेश्चन को हर चीज को अच्छे से सीखना अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सी एफ टी डग्राम ऑफ विस्लेशनियस कॉम्प्लेक्स सही है पिछली बार पेपर में पूछा गया था इसका टीबीपी का मे बी अब की बार आने वाले एग्जाम में आपसे किसी और कॉम्प्लेक्स का पूछ ले सही है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के सीएफटी डायग्राम की कौन कौन से कॉम्प्लेक्स किस कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वहां से भी सवाल आता है वो बात भी आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे सही है तो काइंडली एक एक बात को अच्छे से समझना है सीखना है शुरुआत करने चल... कर रहा हूं मैं आज के सेशन की सही है ये सब बातें आपने पढ़ी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप कर दिया है सही है चलिएगा सर ये सब हमने पढ़े हुए हैं आई होप इनमें आप गलती नहीं करोगे बाकी ओक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स और टेट्रा हेडल कॉम्प्लेक्स में हमने सी एफ एस सी कैलकुलेट करना भी सीखा था वो भी आपको आना चाहिए सही है चलिएगा तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सही है समझते हुए चलेंगे ध्यान रखना अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए सही है अब सबसे पहला जो डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स का सही है एक एक कॉम्प्लेक्स को अच्छे से सिखा के जाऊंगा पूरा समझा के जाऊंगा बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन सी बात मतलब इसमें ट्रिक के थ्रू भी याद करेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मैटर रहता है यहाँ सही है चलिएगा तो सबसे पहला डायग्राम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं पहला डायग्राम है हमारा आज का इज़ एफ टी ऑफ़ सी एफ टी डायर पायरेडल कॉम्प्लेक्स आ जाइएगा ध्यान से सुनना बच्चों अगर स्केयर पायरेमिडल कॉम्प्लेक्स आता है लास्ट टाइम पेपर में टीबीपी पूछा था क्या पता अब की बार एग्जामिनर फिर से सी एफ टी डायफ हाइब्रिडल कॉम्प्लेक्स आपसे पूछेगा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों एक ही सवाल पूछा जाएगा आपसे डी ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर सही है जो भी चीजें आपको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा सबका रेफरेंस डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा तो प्लीज काइंडली हर बात को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है ये आज का जो सेशन है थ्योरी सेशन भी है प्लस क्वेश्चंस सेशन भी है पहले हम सीखेंगे और फिर मैं आपसे सवालों में गलती करवा सही है तो शुरुआत करते हैं यार सबसे पहला अगर मैं बात करूं देखो स्क्र पैरामिडल कॉम्प्लेक्स की तो देखो बच्चों आपने सबसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए इन स्क्र पैरामिडल कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो मिक्सिंग होती है वो कौन सी होती है बोले तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो सर स्क्र पैरामिडल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मिक्सिंग होती है एस ऑर्बिटल मिक्स होता है पी एक्स होता है पी वाई होता है पी जड होता है और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये हमारे पास यहाँ पे मिक्सिंग होती है है इन ऑर्बिटल्स की सही है? और अगर सी, ए, की हम बात करें तो देखो हमारे पास मैंने लिया एक है, जो है. तो की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहां से साफ साफ पता चल रहा है सर जी चार लिगेंड तो प्लेनर एनवायरमेंट में होते हैं और एक लिगेंड अलोंग जेड एक्सिस होता है कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कहानी बनती सही है अब देखो यार दोस्तों ध्यान से सुनना हमें डी ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमें ऑर्बिटल तो देखो अगर मैं बात करूं यहां पे, से देखो बच्चों समझना एक बार देखो ये हमारे पास सर यहाँ पे हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और सर ये हमारे पास हो गई जेड एक्सिस तीन एक्सिस की मैंने बात कर ली अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से सुनना जो लीगेंट अप्रोच कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ध्यान से सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर अगर लीगेंट के अप्रोच की बात करें इन केस ऑफ स्क्वायर पैरामिटल कॉम्प्लेक्स आपको साफ साफ पता चल रहा है चार लीगेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आए हुए हैं तो सबसे पहला जब ये लीगेंट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस आपके पास चार लीगेंट अप्रोच कर रहे हैं और एक लीगेंट अलोंग जेड एक्सिस अप्रोच कर रहा है सबसे पहले जब मेटल जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है सी के अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं प्राइमरी इंट्रैक्शन होता है मेटल का पॉजिटिव चार्ज जो जेड इफेक्टिव होता है वो लीगेंट के लिए अपना अट्रैक्शन शो करता है लीगेंट एट इनफाइनाइट है पास आते हैं तो पता चलता है कि चार लीगेंट तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस क्या लोंग आए हुए हैं और एक लीगेंट जेड एक्सिस क्या लोंग आया हुआ है तो प्यारे बच्चों आप ही बताओ सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी से होगा सेकेंडरी इंट्रैक्शन क्या होता है सी में आपने सबने पढ़ा होगा सर जी द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ये हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है सेकंड इंट्रैक्शन और सेकंड सेकेंडरी इंट्रेक्शन में सर हमारे पास रिपल्सन होगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है तो मेरे को फटाफट एक जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डी ऑर्बिटल हमारे पास आप सबने पढ़े होंगे सर डी ऑर्बिटल की बात की जाए तो सर डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं सर एक एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं और एक हमारे पास नॉन एक्सियल होते हैं एक्सियल की बात की जाए तो सर एक्सियल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आते हैं और डी जेड स्क्वायर आता है और नॉन एक्सियल की बात की जाए तो नॉन एक्जियल में डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स वाई ये ऑर्बिटल आते हैं सबने पढ़ा होगा भाई साहब डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल अब मेरे को आप ये बताओ सबसे ज्यादा मेटल के डी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लीगेंड के साथ कौन से डी ऑर्बिटल के साथ होगा चैट बॉक्स में देखो सब समझना है यही पे सब याद होगा आपको चिंता मत करो रटने से तो कुछ काम नहीं चलेगा भाई साहब कंफ्यूजन बढ़ेगा एक बार समझिएगा आप सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंट्रैक्शन दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल के साथ होगा सर पक्की बात है इन केस ऑफ स्क्वायर पैरामिटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आए हुए हैं और अलोंग द एक्सिस में भी सर सबसे खास बात यह है चार लिगेंड है जो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग आए हुए हैं यस yes, टीकम बट कह रहे हैं सर एक्सियल के लिए सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा बिल्कुल सही बात है यार लेकिन एक्सियल में भी सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन फील करेगा सर डी एक्स फील माइनस वाई x और वाई एक्सिस के अलोंग चार आए हुए हैं बोलो और अगर मैं नॉन एक्सियल की बात करूं तो नॉन एक्सियल में डी एक्स जड डी वाई जेड डी एक्स वाई सर ये लाइक करते हैं बिटवीन द एक्सिस और सर इसमें भी एक खास बात जो डी एक्स जड और जो डी वाई होंगे इनमें हमारे पास रिपल्सन कम होगा और इनसे ज्यादा डी एक्स वाई में होगा इतनी बात समझ आई या नहीं आई बोलो यार जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इतनी अगर बात समझ गए हो तो बस कोई रटने की जरूरत नहीं है सीएफटी डायग्राम तैयार है इतना अगर आप समझ गए हो तो सी एफ टी तैयार है बता अभी बना देते हैं देखो ध्यान से सुनना हाल भी आपके सामने अभी लेके आऊंगा सबसे पहले मेटल फील करेगा डी ग्राउंड स्टेट में है प्यारे बच्चों सर सबसे पहले प्राइमरी इंट्रेक्शन होगा डी ऑर्बिटल हमारे पास पांच के पांच एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और बाद में पता चला कि चार लीगेंट तो हमारे पास अलोंग एक्स और वाई एक्सिस आए हुए हैं तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी रिपल्सन कौन सा डब्बा फिल करेगा सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिल करेगा इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी उसके बाद कौन फिल करेगा क्योंकि लीगेंट यहां भी अलोंग द एक्सिस आए हुए हैं तो सर इसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा आएगा डी जड़ स्केयर आएगा क्योंकि इसके लोब भी कहां लाई कर रहे थे अलोंग एक्सिस और दड एक्सिस के अलोंग भी डायरेक्ट एक लिगेंड आया हुआ है ये हमारा बन गया भाई साहब बैरी सेंटर ध्यान रखना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे बताइएगा केस ऑफ सी डायग्राम ऑफ स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बैरी सेंटर के ऊपर कितने ऑर्बिटल लाई करते हैं तो कितने ऑर्बिटल लाई करते हैं दो ऑर्बिटल लाई करते हैं अब अगर मैं बात करूं सर सबसे नीचे कौन जाएगा सबसे नीचे प्यारे बच्चों अब नीचे जाएंगे नॉन ऑर्बिटल अब में भी देखो टी एक्स जड और टी वाई जड है उनमें क्या हो रहा है वो हमारे पास बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं जबकि अगर मैं बात करू डीएक्स वाई डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा और एक्स वाई प्लेन में चार लिगेंड आए हुए हैं उनकी एनर्जी स्लाइटली डी एक्स जड और डी जेड से ज्यादा होगी तो सबसे नीचे सबसे नीचे दो डब्बे जाएंगे कौन कौन से डीएक्स डब्बा लाई करेगा कौन सा डीएक्स वाई दिस इज दी एफ टी स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स इट इज क्लियर और नोट बताओ जल्दी से बताओ दोस्तों डब्बा डब्बा क्लियर हुआ या नहीं हुआ अब मैं कह रहा हूं पेपर में आपसे सवाल पूछेगा पक्की बात है आपसे कहेगा बताओ स्कल कॉम्प्लेक्स में जैसे पिछली बार पेपर में पूछा टीबीपी का आपसे पूछेगा बताइएगा स्केयर पैरामिडल कॉम्प्लेक्स में सीएफटी डायग्राम में बताओ डी ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है सर जी सबसे आगे डीएक्स स्क्स वाई उसके बाद डी जड उसके बाद डी एक्स वाई और सबसे पीछे डीएक्स डी वाई जड समझे या नहीं समझे बताओ भाई साहब समझ आया या नहीं आया नोट कर लीजिएगा डायग्राम को बना लीजिएगा साथ साथ लिखते हुए चलिएगा और छीन बच्चों ने यार सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा यार। यार आपका ही मोटिवेशन है आप लोग जुड़ोगे तभी मजा आएगा इन सेशन को मैंने तो आपको एक स्टेटमेंट कह दी थी 9 से बारह मैं आपको मिलूंगा डेली तो मिलूंगा श्योर है बस आपके ऊपर है आप इन सेशन से कितना सीख पा रहे हैं और डेफिनेटली लास्ट टाइम भी हमने किए थे सवाल आया भी और इस बार भी पेपर में अगर आएगा तो आज के सेशन से आपका सवाल बन जाएगा समझे या नहीं समझे कर लोगे बोलो क्लियर है अगर बना लिया हो तो बता दो भाई साहब साथ साथ नोट करते हुए चलो पूरे बारह डायग्राम पढ़ने हमें पूरे बारह डायग्राम दिमाग में सेट करके जाने रटने नहीं है बिल्कुल भी रटोगे तो फिर फंसोगे पेपर में ऑप्शन में चले आगे अब जल्दी से मुझे आप देखो वैसे मैं कंपाउंड केमिस्ट्री का भी सेशन लेके आऊंगा अब मैं बता भी देता हूँ कि कुछ अरे सर हमने पढ़ा था एक कॉम्प्लेक्स इंडियम सी एल फाइव बोलो 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 और अगर बात करूं इंडियम के साथ फ्लोरीन दे दे तो भी स्क्र पैरामिडल होगा और बता दू निकल के साथ साइनाइड दे दे पांच ये भी स्क्र पैरामिडल में ज्यादा स्टेबल होता है आपसे कहते हैं इनका सी एफ टी कॉम्प्लेक्स बताइएगा ये सब स्कल कॉम्प्लेक्स है ये बताइएगा भाई साहब बताइएगा बताइएगा क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं चले आगे देखो पहले समझेंगे बारह के बारह डायग्राम और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई साहब डेफिनेट फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे सही है चलेंगे समझ गए बोलो अब जब आपसे अगला जो सेशन में लेके आऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा इन सब की सीएफएससी का भी जिक्र करूंगा सही है ना तो उससे पहले एक बार डायग्राम जरूर याद कर लीजिए चले आगे पहला डायग्राम क्लियर है चलिएगा सर ये हम समझ गए हैं बिल्कुल क्लियर है बात बन गई है आओ दोस्तों आगे करते हैं बहुत बढ़िया सही है चलिए आगे यस 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 आ जाओ एक डायग्राम सीख गए हैं सर स्क्वायर का रटना कुछ नहीं है रटने से काम नहीं चलेगा दिमाग में बिल्कुल सेट करना है जैसे ओक्टा हेडल का सेट है जैसे टेट्रा हेडल का सेट है जैसे क्यूबिक का सेट है जैसे स्क्वायर प्लेनर का सेट है पूरे पंद्रह के पंद्रह सी एफ टी डाय आज आपको दिमाग में सेट करके जाने हैं आ जाओ सुनिएगा अब बात करता हूं नंबर दो की आइएगा अब जिक्र करते हैं यार अब सर टीबीपी कॉम्प्लेक्स में एक बार थोड़ा हम हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र कर लेते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल यहां पे मिक्स होते हैं अब की बार पेपर में आया था यार सवाल ये चार नंबर में बिल्कुल आसान सा देखो एस ऑर्बिटल होता है सर पी एक्स होता है पी वाई होता है पी जेड होता है और सर जी डी आता है डी जेड बोलो सर तो जब टीबीपी कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना एम एल फाइव टाइप ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर पांच होगा अब आ जाओ समझते हैं समझते हैं देखो दोस्तों टीबीपी कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनता है यही हमारा टीबीपी है ध्यान से सुनना भाई साहब यही से देखो एक बार कॉम्प्लेक्स को आप समझ गए लीगेंट कहां से अप्रोच कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी समझना आसान हो जाएगा सही है देखो यार यहां पे अगर हम बात करें सर जी हमें पता है देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे एक्सीज एक बार बनाते हैं देखो भाई साहब ये हमारी एक्स एक्सिस गई ये हमारी वाई एक्सिस गई दो एक्सीज मैंने बना दिए हैं सही है और ये जेड एक्सीज तो यहां से आपको एक बात साफ साफ पता चल रही है सर जी देखो 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 अलोंग जेड एक्सीस अलोंग जेड एक्सीज लीग डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं समझा नहीं समझे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे मिक्सिंग डिफरेंशियल होती है इसमें पी डी करेक्टर इसमें पी डी करेक्टर इधर एस पी टू करेक्टर इधर एस पी टू इधर एस पी टू यही होता है अगर मैं यहाँ बात करूं बच्चों ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था वो किस एक्सिस के अलोंग होगा सर जी वो हमारा होगा अलोंग जड एक्सिस क्योंकि जो लीगेंट है अलोंग जड एक्सिस वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है सही है ये सवाल पेपर में पूछ भी चुका है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की बनेगी सर पक्की बात है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी डी जयर की होगी क्योंकि लिगेंड इस तरफ से हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है समझा नहीं समझे अगर मैं बात करूं यार एक्स और वाई एक्सिस के तो क्या एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा मेरे भाई साहब वो एसपी टू है वो बिटवीन द बिटवीन द एक्सिस ही लाई करेंगे उसके लोग समझा नहीं समझे तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी कहा होगा के होगा और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन से होंगे होंगे सर वो d-ऑर्बिटल बिटवीन डी करते हैं d-एक्स और वाई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान से सुन लो भाई साहब फिर से सुन लो हाँ कोई बात नहीं थोड़ा स्लो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो एम एल फाइव टीबीपी कॉम्प्लेक्स था आपने क्या देखना है सर लीगेंट आएंगे प्राइमरी इंट्रेक्शन होगा मेटल लीगेंट को अपनी तरफ खींचेगा खींच रहा है बाद में पता चला मेटल को कि भाई लीगेंट जो जेड एक्सिस के अलोंग है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं तो जो मेटल का डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और लीगेंट के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो रिपलसन होगा सबसे ज्यादा जेड एक्सिस के अलोंग होगा इसलिए डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी उसके बाद अगर हम बात करें देखो अगर हम यहां देखें, डी जड और डी वाई जड जो ऑर्बिटल है उनके भी लोग बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं सही है दूसरा डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्स वाई ऑर्बिटल ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं और जो sp2 टू हाइब्राइज ऑर्बिटल होते हैं वो भी एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे और अगर ऐसा होगा तो पक्की बात है सर तय है उनकी एनर्जी थोड़ी सी dxz और dyz से क्या होगी ज्यादा बस इतनी ही बात आपने समझनी थी टीबीपी कॉम्प्लेक्स के सीएफटी डायग्राम में बनाएं आ जाओ आ जाओ आ जाओ और देखो अब अबकी बार चार नंबर में आया चिंता मत करो आपके लिए ट्रिक भी तैयार है पहले तो समझेंगे और फिर बाद में सर जी हम तो ट्रिक से अप्लाई कर देंगे देखो भाई साहब टी के पांच डब्बे थे ग्राउंड स्टेट में मेटल एक्साइट होगा कि लीगेंट आ रहे हैं प्राइमरी इंट्रैक्शन होगा पांचों डब्बे कहा जाएंगे सर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, अब मेटल को पता चला कि कहां से आ रहे हैं भाई साहब दो तो बिल्कुल अलोंग Z एक्सिस आए हुए हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डब्बा कौन सा जाएगा बोलो भाई साहब सर डी सबसे ज्यादा एनर्जी का जाएगा उसके बाद सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुन लो। इज डी ऑर्बिटल इन टीबीपी कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है डी जेड इसके बाद अगर हम बात करें ध्यान से सुनना भाई साहब नीचे नीचे आएंगे और एक एक बात का एक्सप्लेनेशन आपके सामने क्लियर होगा सर जी सबसे नीचे दो डब्बे आएंगे और दो डब्बे कौन से होंगे डी एक्स जड और डी वाई क्योंकि इनके जो लोब हैं एक्स और जड के बीच में लाई कर रहे हैं इनके लोग वाई और जड के बीच में लाई कर रहे हैं और लीग एंड सब या तो अलोंग जड़ रहे हैं, या वाई में आ रहे हैं जो एस पी टू जो इक्विटोरियल पोजिशन पे आ रहे हैं, वो वाई में आ रहे हैं। तो उनकी एनर्जी उनमें सेकेंडरी इंट्रैक्शन इन ऑर्बिटल के कंपेरेटिवली ज्यादा होगा इसलिए दो डब्बे कौन कौन से डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी एक्स वाई इससे ऊपर होंगे डिजेनरेट रहेंगे समझे या नहीं समझे और यही सीएसआई फोर मार्क्स तो चिंता मत करो अगर ये पूछ चुका है तो क्या बता आज के पंद्रह डायग्राम में से कौन सा क्वेश्चन आप पेपर में बन जाए पहले समझेंगे फिर ट्रिक से भी याद करेंगे बोलो भाई साहब समझ आया नहीं आया कर लोगे? बोलो रे, बोलो, रे, बोलो, बोलो। सवाल भी दिखाऊंगा चिंता मत करो सवाल भी बढ़िया बढ़िया ही लेके आया हूं आपके लिए पहले तो आप थोड़ा दिमाग में सेट करो चीजों को तो टीबीपी कॉम्प्लेक्स में एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा सर सबसे आगे कौन आएगा डी स्क्वायर आएगा फिर कौन आएगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई दोनों बराबर आएंगे और सबसे पीछे डी एक्स जड डी वाई जड इट इज क्लियर और नोट बता दो भाई साहब ये बात क्लियर है या नहीं है ये हमारा हो गया एनर्जी का ऑर्डर समझे या नहीं समझे बोलो भाई बताइएगा जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई यार अगर क्लियर हो गई है तो डायग्राम बना लीजिएगा क्योंकि अगला डायग्राम एक और आने वाला है डायग्राम हम सारे पढ़ेंगे ही आज सारे डायग्राम एक ही क्लास में क्लियर करके जाएंगे ही और क्वेश्चन भी करके आएंगे क्लियर है टीबीपी कॉम्प्लेक्स का सीएफटी डायग्राम क्लियर है कर लोगे आपसे देखो सवाल क्या पूछा जा सकता है या तो जैसे पेपर में पिछली बार नेट के एग्जाम में या ऐसे ऑर्डर पूछ लिया सारी डी ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले दूसरा ये कह सकता है मोस्ट डी या या फिर मोस्ट स्टेबलाइज इन पे फोकस रखना है बस बोलो चले आगे सही है दूसरा यार सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा यार सही है आप नौ से बारह बने रहोगे तो फिर डेफिनेटली मैं भी बना रहूंगा आप नहीं आओगे तो फिर मैं कैसे आऊंगा तो कीप स्पोर्टिंग जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करते रहिएगा आ जाओ अब देखो इसके एग्जाम्पल और बता देता हूँ टीबी का आप भी एग्जाम्पल भी पूछ ले तो टीबीपी कॉम्प्लेक्स आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं आ जाओ मैं लिख देता हूँ भाई साहब एफ ई सी ओ फाइव ये भी टीबीपी होता है कोपर सी एल फाइव माइनस थ्री ये भी टीबीपी होता है बोलो कर लोगे अगर एस एन आ जाए एस एन एफ फाइव आ जाए माइनस ये भी टीवी पी होता है भाई साहब इन सब कॉम्प्लेक्स का सी एफ टी ये बनेगा लोगे बोलो यहां तक समझ आया है? नहीं आया है। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कर दो यहां पे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फिर आगे चलते हैं और फिर कहानी तैयार है ट्रिक भी आपके लिए तैयार है चिंता मत करो कैसी होगी आप कभी भूलोगे ही नहीं जीवन में चले आगे यस चलिएगा आगे बढ़ते हैं यार दोस्तों आ जाओ अब सुनो ध्यान से ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला कॉम्प्लेक्स है सी एफ टी डायफ नंबर थर्ड पीबीपी कॉम्प्लेक्स पीबीपी पी कॉम्प्लेक्स अब बच्चों पीबीपी में क्या होता है सर पीबीपी ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पे हमारे पास पेंटागोनल बाई पायरेमिडल सर लीगेंट कितने आएंगे बताओ जल्दी से लीगेंट कितने आएंगे सर जी लीगेंट आएंगे सात सात लीगेंट आएंगे एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं आपको लो भाई साहब एग्जाम्पल लिख दिया जिरकोनियम एफ सेवन माइनस थ्री ये पीबीपी कॉम्प्लेक्स होता है सही है ध्यान से सुनना भाई साहब देखो ध्यान से समझना ये पीबीपी कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे जो लीगेंट है वो क्या करेंगे सर जी हमें पता है पांच लिगेंड जो है पांच लीगेंड पेंटागोनल बाई सर इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो पांच लिगेंड हमारे पास इस तरीके से आएंगे एक दो तीन चार पांच और सर दो लिगेंड जो है वो हमारे पास अलोंग एक्सियल आएंगे इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स होता है तो यार देखो साफ साफ यहां पे है दो लीगेंट तो हमारे पास जेड एक्सिस के आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो हमारे पास जेड एक्सिस में ही होगा जेड एक्सिस में होगा दूसरी बात यहां पे पांच लीगेंट मैं जिनको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं ध्यान देना ये पांच लीगेंट कहां से अप्रोच कर रहे हैं सर ये पांच लीगेंट एक्स वाई प्लेन से आ रहे हैं ये पांच लीगेंट कहां से आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन से सही है अब एक्सवाई प्लेन में जो जो, जो डी ऑर्बिटल लाई करेंगे वो भी रिपल्सन फील करेंगे सेकेंडरी इंट्रेक्शन में उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी सेंटर से ज्यादा हो जाएगी जबकि टीबीपी में क्या था टीबीपी में तीन लिगेंट आ रहे थे उनकी एनर्जी कम थी समझा नहीं समझे लेकिन यहां पांच लिगेंट आ रहे एक्स वाई प्लेन में तो सेकेंडरी इंट्रेक्शन एक्स वाई प्लेन में जबरदस्त होगा लेकिन डायरेक्ट जो रिपल्सन फील कर रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल कर रहा है जड़ 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 तो जड़ तो सबसे ऊपर जाएगा ही भाई साहब जड़ तो ऊपर सबसे जाएगा ही देखो 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 मेरे भाई देखो समझो समझो इस बात को सर डी के ऑर्बिटल थे पांच D के ऑर्बिटल थे पांच ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले प्राइमरी इंट्रेक्शन फील करेंगे तो डी का एक्साइटेशन होगा डी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे लेकिन बाद में पता चला कि इन सात लीगेंड में दो लीगेंड तो जड़ के अलोंग डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी का जो डब्बा होगा वो तो डी जड़ स्क्वेयर ही होगा बोलो लेकिन सुनो 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 जहां टीबीपी ज्योमेट्री में डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी एक्स वाई बैरी सेंटर के नीचे आ गए थे यहां कहानी बदल जाएगी वो ऊपर जाएंगे क्यों जाएंगे क्योंकि अब तीन लिगेंट नहीं एक्स वाई प्लेन में पांच लिगेंट आ रहे हैं और ये देखो ये 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 कौन कौन से डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीएक्स वाई सबसे नीचे दो ही बचेंगे कौन कौन से डीएक्स जड और डी वाई इट इज क्लियर और नोट बता दो दोस्तों जल्दी से बताओ यार इस बात को ये बात समझ आई या नहीं आई ये समझ आई या नहीं आई क्योंकि अगला सवाल आपके लिए तैयार है जबरदस्त सवाल है बोलो 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 जल्दी से बोलो दोस्तों, लिख लो बना लो और बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कभी हार मत मानो क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो खास बात ये लाइन उन बच्चों के लिए है जो सी एस आई आर नेट का एग्जाम देने में मतलब विफल होते गए हैं पिछले वाले एग्जामों में चिंता मत करो जीत आपके सामने है लगे रहिएगा लगे रहिएगा लगे रहिएगा बोलो 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 समझ आया, आया? समझ आया या नहीं आया बताओ भाई साहब समझ आया या नहीं आया बताइएगा समझे या नहीं समझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर प्राइमरी इंट्रैक्शन इज अट्रैक्टिव सो डी ऑर्बिटल एनर्जी सुज इट इज इंक्रीज भाई साहब एक्चुअली अगर हम बात करें रियल ये CFT एक थ्योरी है अगर हम सोचे ना जब भी लीगेंट मेटल के साथ आएगा तो डेफिनेटली है उसके पास लीगेंट का जो नेगेटिव चार्ज होगा मेटल के डी इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा सही है ना अट्रैक्शन नहीं होगा रिपल्सन ही होगा लेकिन CFT के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जब मेटल फील करता है प्राइमरी इंट्रैक्शन तो डी ऑर्बिटल का एक्साइटेशन होता है अब देखो 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 तीन ऑर्बिटल देखो 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 भाई साहब सी एफ आपने पढ़े ध्यान देना सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भाई साहब TBP और TBP. दोनों एक साथ डायग्राम अभी बना लीजिएगा दोनों में क्या पढ़ा आपने देखो भाई साहब दोनों में क्या पढ़ा आपने सर डी ऑर्बिटल के डब्बे थे पांच डी ऑर्बिटल का हुआ एक्साइटेशन डी ऑर्बिटल का हुआ एक्साइटेशन डी एक्साइटेड स्टेट यहां पे भी स्प्लिटिंग हुई ध्यान देना ये हम बना देते हैं बैरी सेंटर बैरी सेंटर बना दिया सर इन केस ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो सर टीबीपी ज्योमेट्री में एक डब्बा ऊपर था यहाँ पे दो ये दो ये था इन केस ऑफ पीवीपी सर यहाँ पे एक फिर दो नीचे दो ये बना अगर ऑर्बिटल को लिखना चाहे डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ये डी जेड स्क्वायर यहां पे भी ये डी जेड स्क्वायर ये डी एक्स वाई डीएक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वेयर ये डी एक्स जड डी वाई जड ध्यान रखना भाई साहब अब देखो 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 टीवीपी बीपीपी दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई होप अब आप समझ गए होंगे और आ जाओ आज के सेशन का पहला सवाल अब आप गलती बिल्कुल मत करना देखो आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पूरी पीडीएफ ये आपको मिलेगी ऐप आप पे चिंता मत कीजिएगा पहला सवाल आज के सेशन का कर दीजिएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और सही जवाब दीजिएगा भाई हो, गया हो गया यार देखो अब देखो यार सुनो ध्यान से ये सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मैंने रिवीजन सेशन में करवाया था लेकिन पेपर वाले ने क्या पूछा पेपर वाले ने क्या पूछा पेपर वाले ने तो आपसे यही पूछा केवल बताइएगा टीबीपी कॉम्प्लेक्स में एनर्जी का ऑर्डर बताइएगा ये, ये आपसे पेपर में पूछा गया हमने सवाल तो इस लेवल तक भी किया था कि हमसे पूछ लेना बैरी सेंटर के ऊपर कितने लाई करेंगे वो भी हम कर देंगे समझ गए यार बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ जल्दी से यस सर अब गलती नहीं करेंगे बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर बोलो यार अब तो गलती नहीं होगी ध्यान रखना यार, यार क्वेश्चंस के लेवल जो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो सारे रेफरेंस बुक के हैं जो भी आपको अब सी एफ टी पढ़ा रहा हूं पूरा डाटा आप देख लीजिएगा आ जाओ एक बार देख लो रेफरेंस भी देख लीजिएगा आ जाओ अभी तक जो आपने सी एफ टी पढ़ा है आ जाओ थोड़ा किताब भी चर्चा भी कर लेते हैं आपने पढ़ा है अभी तक ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल का स्केयर पायरेमिडल का एंड पेंटागोनल बाई पायरेमिडल तो ट्राइगोनल बाई पायरेडिमल देखो डीजेड स्कोर ऑर्बिटल सबसे सबसे ज्यादा डी है और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन से हैं डी एक्स जड जड खास बात अभी तक जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं डायग्राम पढ़े हैं अभी तक जितने भी आपने सी डायग्राम पढ़े हैं तीन पढ़ाए हैं मैंने ध्यान से सुनना स्क्टल टीबीपी एंड PBP। तीनों डायग्राम में मोस्ट स्टेबलाइज ऑर्बिटल सेम थे कौन कौन से डीएक्स जड एंड डीवाई जड देख सकते हो ये ट्राइगोनल पैरामिडल में नेगेटिव माइनस टू पॉइंट सेवन टू स्कर पैरामिडल में माइनस फोर पॉइंट फाइव सेवन और पीबीपी पी में भाई साहब गजब 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 माइनस फाइव पॉइंट टू एट विद डाटा भी आप देख सकते हो बोलो अब सुन लो ध्यान से सर जी डाटा छोड़ो आप तो अब डायरेक्ट ट्रिक बताओ भाई साहब आ जाओ अब सुन लो भाई साहब डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाते हैं सुन लो ध्यान से देखो भाई साहब आ जाओ अब भूल भी जाओ तो सुन लो अभी डायग्राम कभी भूलोगे ही नहीं ध्यान से सुनना आप समझना एक बार देखो यहाँ थे पांच ऑर्बिटल डी ग्राउंड स्टेट अब ट्रिक देख लो भाई साहब सर डी ऑर्बिटल का हो गया एक्साइटेशन हो गया एक्साइटेशन सर जी हमने एक्साइटेशन करवा दिया बहुत बढ़िया अब यार ओखटा एडल का सी डायग्राम तो आपको पता होगा ओक्टा एडल का सर हमें पता है तीन डब्बे नीचे आते हैं दो डब्बे ऊपर जाते हैं लीजिएगा यहाँ पे सर इस सेट को बोलते हैं टी टू जी इस को बोलते इजी। यही कहते हैं हम दूसरा आपने ये भी देखा अगर हम बात करें यहाँ पे सर इजी में होते हैं डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वेयर ध्यान से सुनना और सर टी टू जी में होते हैं डी एक्स जड डी वाई और डी एक्स ड ये तीन ऑर्बिटल होते हैं ये ओक्टा का सी एफ टी होता है आ जाओ भाई साहब अब ट्रिक समझ लीजिएगा ट्रिक से याद रखना अब इन सबको आ जाओ ओक्टा का तो आई होप सबको याद होगा ओक्टा में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सुमित कह रहे हैं सर ये किसका हुई किटर में दे रखा है भाई साहब हुई किटर में पूरा रेफरेंस है सही है ओक्टा का हमें याद है अब देखो टीबीपी का बना देते हैं देखो यार टीबीपी में क्या होता है पहले तो आप यहाँ पे ये बैरी सेंटर खींच लीजिएगा लीजिएगा ये बैरी सेंटर है हमारा सही है अब अगर मैं बात करूं टीबीपी की तो टीबीपी में क्या होता है सुनो ध्यान से यहां से देखो यार यहां से डी एक्स वाई है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है सही है एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं सही है ना आ जाओ कभी भूलोगे ही नहीं देखो भाई साहब इसको मान लो डी एक्स वाई को मान लो xy है ये आपके पास और एक ऑर्बिटल है dx2 y2 इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है सही है इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं सही है लेकिन घर वालों को पसंद नहीं है अब भाई साहब dz2 है ये लड़के की तरफ से घरवाला हो गया dxz dyz ये हमारे पास ये हमारे पास t2g के घरवाले हो गए लेकिन इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है इनको तो शादी करनी है लो भाई साहब ये तो करेंगे दूसरा देखो इजी है टी -टू -जी है एक नीचे है एक ऊपर है कास्ट का भी डिफरेंस है पैसों का भी डिफरेंस है सही है तो आ जाओ हाँ शादी वाली स्टोरी कर देते हैं भाई साहब शादी करवा देते हैं सी एस आर में भी चार नंबर में करवा दी शादी अब की बार पेपर में तो क्या करोगे सर डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनको तो शादी करनी है भाई साहब ये लड़के के घरवाले नहीं मान रहे ये कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे तो भाई साहब डीएक्स स्क्सर तो प्यार में पागल है ये तो चला गया बोला मुझे तो जाना ही है लो जी, हो गई भाई साहब और डी वाई। अब भाई साहब ये लड़की वाले परेशान हो गई शादी तो क्या करेगी ना बिचारों की एनर्जी और कम हो गई लो इनकी एनर्जी और कम हो गई क्या क्या डीएक्स जड डी जड और एनर्जी कम हो तो गई सिचुएशन थी भाई साहब ये बन गया टीबीपी का डायग्राम पहला डायग्राम हमारा बन गया टीबीपी का सही है तो सिमेट्री आपको याद रखनी है भाई साहब हाँ बिल्कुल बिल्कुल नारायण कह रहे हैं सर लव मैरिज का केस था हाँ, बिल्कुल भाई साहब डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर डीएक्स वाई दोनों के विचार मिल रहे थे दोनों की सिमेट्री मैच कर रही थी दोनों ने कर ली शादी लड़के वाले नहीं मान रहे थे इनने कहा भाई हम घर में नहीं रहने देंगे ये हो गया बाद में क्या हुआ आपको पता ही भाई साहब <laughs> लव मैरिज के डीमेरिट्स डी मैरिट्स लव मैरिज के क्या बना देंगे, बना देंगे। अब तो होती है लो जी भाई साहब ये डीजेड स्क्वेयर था ही, इनके बीच में हो गई लड़ाई तो फिर क्या होगा भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर छोड़ के चला गया सबसे ऊपर लीजिएगा कि भाई साहब नहीं और ये डी जेड स्क्वेयर बैठा है छोड़ के चला गया अब जो भाई साहब डीएक्स वाई था ना तो इधर का बचा ना उधर का बचा क्या अब देखो ये बात जैसे ही पता चली किसको वाई को बेचारे इनकी एनर्जी और कम हो गई इनकी एनर्जी और कम हो गई डी एक्स जेड डीवाई जड ये बन गए आपके पास और यहाँ कौन रह गया डीएक्स वाई अब डी एक्स वाई अपने इनसे भी नहीं मिल सकता ये डी एक्स वाई यही रह गया फाइनल क्या होगा फिर भाई साहब दया आती है डी जड की अरे अब भाई क्यों इनको परेशान किया जाए अब इनका मन ही है तो क्यों ना एक कर दिया जाए और फाइनल केस में क्या होगा फाइनल केस में आ जाओ एंड ऑफ द स्टोरी एंड ऑफ द स्टोरी डी जड कहेगा तुम यहां रहो मैं जा रहा हूं डी जड घर छोड़ के चला गया और लास्ट में हैप्पी एंडिंग किसकी वाई और, वाई की, और नीचे कौन? अब है भाई साहब इस काल्पनिक कहानी का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों ये एक काल्पनिक चर्चा थी जो हमने आपके साथ शेयर की बस इसको काल्पनिक ही रखिएगा जीवन में अप्लाई मत कीजिएगा समझे नहीं समझे स्टोरी किया तो डरना क्या फाइनली पीबीपी में पहुंच के क्या हो गया happy ending हो गई, तो ध्यान रखना यार हमारा तो क्वेश्चन करने से मतलब है पता चले आप भी सिमेट्री मैच करके बैठ गए ध्यान रखना यार सही है तो देखो ये जो था पहला डायग्राम किसका बना टीबीपी का आपको याद करने के लिए था कहीं आप भूलो ना पहला डायग्राम किसका था टीबीपी का दूसरा डायग्राम किसका था स्क्वायर पैरामिटल का तीसरा डायग्राम किसका बना पीबीपी का तो देखो टीबीपी और पीबीपी में आप कंपेयर कर रहे होंगे तो टीबीपी में ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी डीएक्स वाई जो है वो बैरी सेंटर के नीचे है और यहां पे ये बैरी सेंटर के ऊपर है बोलो बारिश भी आ गई भाई साहब यहां पे तो कहानी ऐसी चल रही थी सर बारिश भी आ गई जल्दी से बताओ अब तो गलती नहीं करोगे भाई साहब बताओ क्लियर है सीएफटी डायग्राम जल्दी से बताओ यार पहला टीबीपी दूसरा तीसरा क्लियर है या नहीं फिर आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया हाँ ये 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 सही है पहला ये नजदीकिया ये दूरिया और फिर पास पास कर लोगे अब देखो सी एस आई आर नेट ने भाई साहब ये पूछ लिया चार नंबर में ये पूछ लिया हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है अब तो गलती नहीं करोगे चले आगे बताइएगा भाई क्लियर है या नहीं है कर लोगे चलिएगा आगे मूव करते हैं आगे बढ़ते हैं सही है और भी क्वेश्चन भी करने हैं यार सही है चलिए अब याद रख रहे हैं यार आने वाले टाइम पेपर में ये भी हो सकता है आपसे पीबीपी पूछ ले आपसे स्क्वेयर पैरामिटल पूछ ले सही है तो आपको टीबीपी डायग्राम इनके सीएफटी डायग्राम याद होने चाहिए चलिएगा नेक्स्ट मूव करते हैं यार अगला जो डायग्राम है सीएफटी डायग्राम ऑफ ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स लीनियर कॉम्प्लेक्स का सीएफटी डायग्राम क्या होगा ये हमें पढ़ना है भाई सीएफटी डायग्राम ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स हाँ यस बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ, आ गई कोई बात नहीं वॉइस तो क्लियर है वो आवाज तो आ रही है ना यार क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूं मैं डिजिटल बोर्ड पे यहां पे थोड़ा नॉइज की दिक्कत हो रही है आपको वॉइस क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं चलिएगा टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छी बात लिखी है समय इंसान को सफल नहीं बनाता समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है बहुत बढ़िया लाजवाब जबरदस्त आ जाओ दोस्तों डायग्राम ऑफ ट्राइगोनल लीनियर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं अगर लीनियर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सर जनरली लीनियर कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर दो में हमारे पास लीनियर कॉम्प्लेक्स बनते हैं और जनरली बच्चों जो डी टेन कॉन्फिग्रेशन के मेटल आयन होते हैं वो हमारे पास के लीनियर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सही है और अगर बात की जाए ध्यान से सुनो भाई साहब देखो लीनियर की अगर बात की जाए तो हमारे पास देखो कॉपर प्लस वन में बनाता है दूसरा अगर मैं बात करूं, कॉपर का भाई ए जी प्लस भी बनाता है ए यू प्लस भी बनाता है ये सब टेन है सही है उसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों एच जी प्लस टू भी बनाता है एच जी प्लस टू भी डी टेन है तो ये चार मेटल आयन होते हैं जो लीनियर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं याद रखना ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर दो के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ये बनाते हैं अब यार देखो लीनियर में ध्यान से सुनना बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें सर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करें या तो एस होगी या फिर एस होगी एस होगी या फिर एसडी होगी और बात डी ऑर्बिटल की हो रही है तो फिर हम एसडी पे फोकस करेंगे किस पे फोकस करेंगे एसडी पे अगर एसडी मिक्सिंग होगी तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना यहाँ पे हमारे पास एक एस ऑर्बिटल होगा और डी की बात करें तो हमने पढ़ा था जनरली डीजेड स्क्वेयर या इनवॉल होगा तो जब अगर मैं बात करूं लीनियर कॉम्प्लेक्स की इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहां पे जो लीगेंट अप्रोच कर रहे हैं ये जो लीगेंट अप्रोच कर रहे हैं किस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं एक्स और वाई के अलोंग कोई लीगेंट नहीं आया हुआ है एक्स और वाई के अलोंग नो लीगेंट लीगेंड अप्रोच अलोंग जेड एक्सिस तो आप ही बता दो मुझे लीनियर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंट्रेक्शन कहां होगा कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंटरक्शन कहा होगा सर जी पक्की बात है अलोंग जड एक्सिस होगा एक्सिस होगा अगर एस पी बनेगा तो एस के साथ पी जड जाएगा एस डी बनेगा तो एस के साथ डी जड स्क्त जाएगा और सर अगर ऐसा होगा पक्की बात है डी जड स्क्र की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी होगी या नहीं होगी और सबसे कम एनर्जी किस किस डी ऑर्बिटल की होगी सर वो डी ऑर्बिटल जिनके लोब वाई प्लेन में लाई करते हैं समझे या है नहीं समझे और इसी के साथ आपका तैयार है सी एफ टी डायफ लीनियर कॉम्प्लेक्स आ जाओ रटना कुछ नहीं यार देखो देखो पांच डब्बे थे ग्राउंड स्टेट के सर पांचों के पांचों क्या होंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होगा सर सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा अनर्जी स्क्वेयर की, और सुनो सबसे कम एनर्जी सर वो ऑर्बिटल जो कहा लाई करते हैं इन एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन में कौन से डी ऑर्बिटल लाई करते हैं बताओ आप ही बताओ सर एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल लाई करते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वेयर एंड डीएक्स वाई ये मोस्ट स्टेबलाइज होंगे दूसरी बात अगर मैं कहूं डी एक्स जड और डी वाई जेड की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों डीएक्स जड डी वाई जड उनमें जड एक्सिस यानी कि एक्स जड वाई जड प्लेन में आए हुए हैं और आपको पता है लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन जड एक्सिस के अलोंग भी होगा चाहे वो बेशक बिटवीन द एक्सिस क्यों ना हो इसीलिए लीनियर कॉम्प्लेक्स में जो डी यानी कि जहां जेड कंटेंट है वो बैरी सेंटर के ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा ये बन गया लीनियर कॉम्प्लेक्स का सी डायग्राम पक्की बात है लीनियर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल भी मैं लिख दूं लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है देखो Au साइनाइड का टू आइस माइनस वन क्योंकि Au प्लस थी टेन होगा बोलो यार और लिखना चाहो तो Az अमोनिया दो प्लस टू क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कौन कौन बनाते हैं बताओ सर Ag प्लस बनाता है कोपर प्लस बनाता है Au प्लस बनाता है Hg जी प्लस टू बनाता है ये बनाते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर दो के ध्यान रखना पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो एनर्जी ऑर्डर लीनियर कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा डीजे से आगे देन डी एक्स जेड डी वाई जेड फिर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई इनकी एनर्जी होगी बराबर बोल लो भाई साहब समझ आया या नहीं आया लीनियर वाला समझ आया या नहीं आया फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और डायग्राम को बना लीजिएगा जल्दी से बताओ भाई साहब समझ आया या नहीं आया समझ आया या नहीं आया बताइएगा इट इज क्लियर और नोट बना लीजिएगा भाई साहब बना लो इसको बना लो बच्चों चले आगे चलिएगा बहुत बढ़िया क्लियर है लिख लिया आप सबने चलिएगा आगे करते हैं लीजिएगा अगला जो कॉम्प्लेक्स है आ जाओ भाई साहब ध्यान से सुननाइगोनल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे अब पहली बात तो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते कौन कौन से हैं देखो यार कोऑर्डिनेशन नंबर तीन के होंगे ये बोलो यार कोऑर्डिनेशन नंबर तीन के होंगे इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं ध्यान से सुनना कोऑर्डिनेशन नंबर तीन में हमारे पास कौन कौन से मेटल आयन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ज्यादातर देखो भाई साहब बता देता हूँ देखो वो तो होंगे ही कॉपर प्लस ए जी प्लस ए यू प्लस ये तो बनाते ही हैं एच जी प्लस टू भी बनाता है और एक याद रखना प्लेटिनम जीरो में जनरली ये जो मेटल आयन होते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर तीन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखना चाहूं तो देखो एच जी आई थ्री आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सब अगर हम इनकी बात करें तो ये भी सब कैसे सिस्टम है डीटेन सिस्टम ही यार सब डिटेन सिस्टम ही है ये भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बोलो अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बने बनाएंगे उसका सेफ्टी डायग्राम क्या बनेगा वो हमें से समझना है तो यार देखो जनरली अगर मिक्सिंग की बात करते हैं तो देखो एस पी एक्स पी वाई ये होता है या फिर सर एस डी दो एस डी टू भी होता है एस डी टू भी होता है ये भी होता है अब या एस डी टू में डी कौन से मिक्स करते हैं ध्यान रखना भाई साहब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई सही है ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो बच्चों एक बात बताओ यहां जो तीनों तीनोंट आए हुए हैं सर वो हमारे पास अगर यहां में पीएक्स देखूंगा तो एक्स वाई प्लेन में यहां डी स्क्वेयर देखूंगा तो डी में कौन कौन डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र और डी एक्स वाई तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन से ऑर्बिटल फील करेंगे सर पक्की बात है डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी एक्स वाई ये सबसे ज्यादा सेकेंडरी रिपल्सन फील करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एनर्जी के जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे पास डी एक्स स्क्सर एंड डी एक्स वाई बनेंगे समझा नहीं समझे तो सबसे पहली बात अगर हम डायग्राम की बात करें आ जाओ अब डायग्राम और समझते हैं एक दो तीन चार पांच ये था डी ग्राउंड स्टेट में सर फिर हमारे पास डी का क्या होगा सर डी का होगा एक्साइटेशन डी चला गया एक्साइटेड स्टेट में सही है इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद स्प्लिटिंग होगी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होगी डी एक्सर माइनस वाई स्क्त एंड वाई। इन दोनों डब्बों की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी किसमें केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये हमारा बैरी सेंटर आ जाएगा बच्चों अब देखो ध्यान से सुनना यहां पे थोड़ी सी बात याद रखनी है यार आपको जो बात याद रखनी है देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटली डी एक्स जेड और डी वाई जेड जो है वो सबसे नीचे आते हैं और फिर हमारे पास यहां आता है डी जेड स्क्वायर ये याद रखना है यहां मार नहीं खानी है एनर्जी ऑर्डर जो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ये तो आपको पता चल गया है सबसे ज्यादा एनर्जी का और फिर हमारे पास डी जड स्क्वायर और सबसे कम एनर्जी का डी एक्स जड डी वाई जड और देखो अब तो एक बात भी याद रखोगे डी एक्स जड और डी वाइज जो ऑर्बिटल हैं मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं किस किस में चाहे टी बी पी आ जाए चाहे पी बी पी आ जाए चाहे स्क्वायर पैरामिडल आ जाए और चाहे ट्राइगोनल प्लेनर आ जाए मोस्ट स्टेबलाइज डी एक्स जड और डीवाई जड ऑर्बिटल इन चारों के CFT डायग्राम में होते हैं याद रखना चारों में आपने देखा है बोलो जल्दी से बताओ समझ आया नहीं आया फिर आगे मुंह करते हैं यार फिर आगे मुंह करते हैं आपने स्क्मेडल का सी डायग्राम पढ़ा आपने टीबीपी का पढ़ा आपने बीपीपी का पढ़ा आपने लीनियर का पढ़ा आपने ट्राइगोनल प्लेनर का पढ़ा पांच सी डायग्राम हम पढ़ चुके हैं चार सी डायग्राम और रहते हैं उससे पहले ओक्टा हेडल टैट्रा हेडल क्यूबिक स्क्वेयर प्लेनर वो आपको आता ही है चलिएगा प्यारे दोस्तों इसी के साथ इतना तो हमने कर लिया एक सवाल आप ट्राई कीजिएगा जल्दी से चैट बॉक्स में अपना जवाब कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप भूल भी गए हैं नोटबुक मत देखो आराम से दिमाग में सोच के आप बताइएगा क्या सही आंसर होगा आ जाओ वो इससे आ गई, आ गई फिर से सी एफ टी डायग्राम ऑफ ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं उनके मैंने आपको बता दिए हैं देखो और हाइब्रिडाइजेशन <coughs> की बात करें तो एस डी फाइव होता है देखो यार अब सुनो ध्यान से अगर ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये होता है आपके पास ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक कॉम्प्लेक्स इस तरीके का बनता है सही है अब देखो यहां से ध्यान से सुनना बच्चों देखो ध्यान से समझो एक बार देखो यार ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस ये मैंने बनाई वाई एक्सिस और ये ऊपर से आ गई जेड एक्सिस सही है अब देखो ध्यान से सुनो यहां जो लीगेंट अप्रोच कर रहे हैं देखो लीगेंट में बना रहा हूं रेड एक यहां से आएगा 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 प्यारे बच्चों आप देखो क्या कोई भी लीगेंट यहां पे अलोंग द एक्सिस आ रहा है सर अलोंग द एक्सिस कोई भी लीगेंट नहीं आ रहा अलोंग द एक्सिस कोई भी लीगेंट नहीं आ रहा छ के छह लीगेंट जो है सिक्स लीगेंड जो है अप्रोच अप्रोच किस प्लेन से अप्रोच कर रहे हैं छह लीगेंट या तो सर छह लीगेंट जो है वो एक्स जेड प्लेन से अप्रोच कर रहे हैं या फिर वाई जेड प्लेन से अप्रोच कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन से नो लीगेंट एक्स वाई प्लेन से नो no ट आप देख लो आराम से कोई लीगेंट अप्रोच नहीं कर रहा है कहां से एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन यही तो होगा ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सीज है एक्स वाई प्लेन हो ये वाई जेड प्लेन हमारा ये हो जाएगा छ के छीगेंट एक्सजड और वाई जेड प्लेन से अप्रोच कर रहे हैं समझा नहीं समझे तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है एक्स वाई प्लेन में कोई लिगेंड नहीं आ रहा तो प्यारे बच्चों आप मेरे को बताओ सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कौन से होंगे और सबसे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से होंगे पक्की बात है सर एक्स जड़ और वाई जड़ की एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी तो अगर हम इनका CFT डायग्राम देखें, देखो भाई साहब देखो, देखो देखो एक दो तीन चार पांच पांच हमारे पास थे ये डी ग्राउंड स्टेट में था हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा लीजिएगा डी एक्साइटेड स्टेट में चला गया सर जी सबसे ज्यादा एनर्जी ना देखो 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 सुनो ट्राइगोनल प्लेनर पीबीपी टीबीपी स्क्वायर पैरामिडल जो जिन में सीएफटी डायग्राम में सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल थे ना कौन कौन से डी एक्सड और डी वाइज धूम मचा दी भाई साहब किसमें ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी के चले गए सबसे ज्यादा एनर्जी के और सबसे कम एनर्जी के सबसे कम एनर्जी के कौन कौन से डीएक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डीएक्स वाई ये तो लीनियर में भी थे बोलो और ये बैरी सेंटर अब पता है डी जेड जो ऑर्बिटल होगा ना क्योंकि सर डी जेड के जो लोब हैं वो हमारे पास तो एक्सिस में कर रहे हैं लेकिन लीगेंड अप्रोच इन एक्सड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन यानी कि उनमें भी जेड कंटेंट आया हुआ है तो इसलिए डी जेड स्क्वेयर बैरी सेंटर से ऊपर होता है थोड़ा रिपल्सन फील करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक का सीएफटी डायग्राम आपसे पूछ ले एनर्जी ऑर्डर आपसे पूछ ले लोजी लोजी डी एक्स जड डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर सबसे पीछे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ये एनर्जी का ऑर्डर बनेगा बताओ बच्चो समझ आया या नहीं आया यार जल्दी से बताओ यार जल्दी से बताओ <coughs> <kười> ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं मुझे हकीकत सजा देती है आसान चीजों का शोक नहीं मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं बहुत बढ़िया जबरदस्त कंटेंट टीम भी पूरा आपको मोटिवेट कर रही है बताइएगा भाई साहब जल्दी से बताइएगा बात समझ आई या नहीं आई बात समझ आई या नहीं आई बताओ भाई साहब इट इज क्लियर और नोट ध्यान रखना पेपर में आएगा पिछली बार हमसे क्या पूछा पेपर में पिछली बार पेपर में हमसे क्या पूछा ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल मे बी दिस टाइम एग्जाम में आपको क्या मिल जाए ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताओ भाई साहब जल्दी से बताओ चले आगे क्लियर है फिर सवाल भी करने यार, सवाल तो रह गए ना अभी तक तो काम समझने का चल रहा था बहुत बढ़िया पालतू सही है बना लो बना लो इनको साथ साथ बनाते हुए चलो यार बस फिर एक पेज में सारे सीएफटी डायग्राम बना लेना पेपर में आया तो उस पेज से आपके चार नंबर बन जाएंगे चले आगे आ जाओ अब सुनो ध्यान से स्केयर एंटी प्रिस्मेट्रिक की बात कर लेते हैं हम भाई स्केयर एंटी प्रिस्मेट्रिक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है ब्लॉक ब्लॉक के डी के सही है ना जो स्केयर एंटी प्रिस्मेट्रिक ज्योमेट्री में रहते हैं इनके सीएफटी की डायग्राम की बात करेंगे देखो यार यहां क्या होता है सुन लो ध्यान से देखो यार <coughs> स्वेयर एंटी प्रिस्मेट्रिक में थोड़ा बहुत वेरिएशन है चिंता मत करो सब समझ आएगा आइएगा एग्जाम्पल ले लेता हूँ हमने पढ़ा हुआ है टी ए एफ एट माइनस थ्री सब ने पढ़ा हुआ है टी ए एफ एट केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ाया था तो देखो यार स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक में अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर लीगेंड की बात की जाए तो सर स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक पहले मैं बना देता हूँ एक बार देखो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल तो पता ही है कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं भाई साहब स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक में सर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होता है यस डी ऑर्बिटल स्क्वायर नहीं होता मान लो ये टी ए यहां आएगा बीच में इस तरीके का स्क्वायर एंटी प्रिजमेटरी कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है बोलो यही बनता है भाई साहब इस तरीके से ही हमारे पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटरी कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम यहाँ देखें देखो ध्यान से सुनना बच्चों अगर मिक्सिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से ये हमारा एक्स वाई प्लेन यही होगा एक्स एक्सिस ये गई वाई एक्सिस ये गई जेड ये बीच से गई यही होगा सही है इन बच्चों आठ कर रहे हैं कहां से जो ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक में हो रहा था तो ग्राउंड स्टेट तो तो में था फिर प्राइमरी इंटरक्शन से कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा लीजिएगा डी एक्साइटेड स्टेट चला गया फिर सेम से वही सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी भाई साहब सर दो डब्बों की होगी कौन से की dxz और dyz क्यों होगी क्योंकि सर अब तो आठ लिगेंड आए हुए हैं कितने लिगेंड आए हुए हैं आठ लिगेंड यहां जो चेंजमेंट आता है पिछले डायग्राम से यहां जो चेंजमेंट आता है केवल इतना सा चेंजमेंट आता है जो dz2 है ना वो dx2 y2 और dx y से नीचे चला जाता है ध्यान रखना भाई साहब दोनों में आपको यहां से कंफ्यूजन हो सकता है मैं कह रहा हूं सबसे नीचे जो जाता है ना वो हमारा डी जेड स्क्वेयर जाता है इससे ऊपर जो रहेगा इससे ऊपर वो रहेगा डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र एंड डी एक्स वाई सही है अब ये इससे ऊपर जाने का रीजन यही है स्लाइडली जब ये लीगेंड अप्रोच करेंगे आठ लीगेंड अप्रोच करेंगे एक्स जेड और वाई जेड प्लेन से तो उसमें एक्स और वाई का कंटेंट भी आया हुआ है इसलिए ये इससे ऊपर चले जाते हैं स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक और ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक में थोड़ा सा वेरिएशन है प्लीज इसको याद रखना हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल दोनों में सेम है लेकिन लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल दोनों में अलग अलग है कर लोगे बोलो यार जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं आया सही है सेम जो डायग्राम आपने किसका बनाया है स्क्वायर एंटी प्रिस्ट्रिक बनाया है सेम सीएफटी डायग्राम बनता है टीटीपी का टीटीपी 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 होता है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिजमेट्री एग्जाम सेम डायग्राम बनेगा टीटीपी का ध्यान रखना सेम 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 टीटीपी के वैसे भी एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे याद करो सर आर ई एच सही है ये तो पेपर में पूछा गया है भाई साहब सही है टी सी एच आपसे पूछ ले ये भी पूछा जा सकता है पेपर में सही है आर ई ये सब टीटीपी के एग्जाम्पल थे सही है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिजमेट्री ट्राइगोनल Tri प्रिस्मेट्रिक ये था हमारा ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक इसमें तीन कैपिंग कर दीजिएगा तीनों ये जो स्क्वायर फेस है इनकी तरफ से एक ये एक ये, एक ये इधर टीटीपी सही है पेपर में नेट में चार नंबर में ज्योमेट्री से भी ये सवाल पूछा जा चुका है बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिको गए भाई साहब क्लियर है डायग्राम एक खास बात और सुन लो लास्ट जो बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है आइकोसाहेड्रल आईकोसा हैड्रल जो है वो मोस्ट ज्योमेट्री होती है प्यारे बच्चों यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है ध्यान रखना भाई साहब ध्यान रखना इन ऑफ आईकोसा हेड्रल कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है ना कोई ऊपर जाता है ना कोई नीचे जाता है तो सर जी आईकोसा में सब ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी बराबर 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 समझे 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 या या नहीं सम्झे? सम्झे या नहीं सम्झे? सही है पीडीएफ मैं आपको ऐप पे अवेलेबल करवा दूंगा जो बच्चे ऐप पे हैं वो चिंता मत कीजिएगा तो ये कहानी थी यार सी डायग्राम की आज का जो हमारा सेशन था अब आप फटाफट बस क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे जल्दी से खत्म कर लेते हैं बताओ जल्दी से अब फटाफट बताओ यार सब पढ़ा दिया आपको क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा <coughs> कह रहा है द हाईएस्ट एनर्जी डी ऑर्बिटल इन सीएफटी डायग्राम ऑफ एस एन सी फाइव माइनस वन हाइएस्ट एनर्जी डी ऑर्बिटल कौन सा होगा एस एन फाइव माइनस वन के सीएफटी डायग्राम में पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एस एन क्या बनेगा सर कोऑर्डिनेशन नंबर पांच है दिक्कत फिर से फंस गई EBP बनेगा या स्क्वायर पैराम बनेगा बता दीजिएगा क्या सही आंसर होगा बोलो बता दो भाई साहब क्या सही आंसर होगा फिर आगे मुंह करते हैं फिर आगे मुंह करते हैं आप बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर कह रहे हैं सर ऑप्शन बी होगा नहीं यार नहीं ऑप्शन बी कहां से ले आए यार ऑप्शन बी कहां से ले आए आप ऑप्शन बी कहां से ले आए यार ध्यान रखना यार देखो दोस्तों ध्यान रखना है यार ध्यान रखना मेरे भाई गलती मत करना गलती मत करना मैं फिर से लिख देता हूं इंडियम सी एल फाइव माइनस टू ये होता है स्क्वेयर पैरामिडल एस एन सी एल फाइव माइनस वन ये होता है टीबी पी ये सवाल भी आपको फंसा के दे सकता है पेपर में सही है ना यस यस विजय सोनी बिल्कुल सही है ए होगा क्योंकि सर टीबीपी होता है ए होगा ए होगा ए होगा ध्यान रखना पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल था और आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है सही है ना और आपने इस लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली पेपर में आपका काम हो जाएगा अगर सवाल सी डायग्राम से आया समझ गए अब गलती मत करना इसमें पूछता तो सर मैं कहता बी होगा सही है जहां लड़ाई वाली बात थी टीबीपी है तो सर जी फिर प्यार वाली बात होगी टीजर स्क से ऊपर आएगा कर लोगे चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा था शेप ऑफ द मोलिक्यूल जड आर एफ सेवन माइनस थ्री एंड डब्ल्यू सी एस थ्री सिक्स बिल्कुल आसान सा सवाल है बता दीजिए तो पढ़ाई है हमने सर थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने भाई साहब ये किस ज्योमेट्री में रहता है सर जी ये रहता है PBP में और सर ये ये हमने पढ़ा था ये किस में रहता है टीपी ट्राइगोनल प्रिसेमेट्रिक रेस्पेक्टिवली वर्ड को रेस्पेक्ट की दीजिएगा तो पीबीपी -पी एंड ट्राइगोनल सी विल बी द करेक्ट आंसर कर लोगे बोलो समझ आया नहीं आया भाई समझ आया या नहीं आया ये बताओ और जिन्होंने यार सेशन को शेयर नहीं किया प्लीज ईमानदारी से जरूर सेशन को शेयर करना यार देखो दिन में ऑफलाइन क्लास होती है रात के रात का टाइम निकाल के आपके लिए ऑनलाइन आता हूँ और आपके पेपर के लिए सारी चीजें क्वेश्चन करवा रहा हूँ सही है तो प्लीज़ यार शेयर जरूर किया करो सच्चे दिल से सही है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस पे फेसबुक पे इतना काम तो कर दो यार आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो आ जाओ ज्यूमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेफिनेट मैं आपको कह रहा हूँ ये सवाल पक्की बात है कंपाउंड केमिस्ट्री से सी एस आई आर नेट जल्द ही आपसे पूछेगा पहले भी उसने खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कह रहा है एमओ एस सी टू एच टू एस का थ्राइस पहला आपसे ये कहेगा बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हाँ अभी से एक बिल्कुल सही बात है हमने पढ़ा था सर या तो मेटल फाइव डी का होना चाहिए वो बनाते हैं बनाते हैं स्कोय बताइएगा भाई साहब एमओ एस सी टू एच टू एस क्या बनेगा क्या बनेगा बढ़िया क्वेश्चन है सी एस आर नेट आपको ऐसा सवाल चार नंबर में पूछ सकता है रेफरेंस बुक का ही सवाल है हुई का ही सवाल है ये हुई क्या मैक्सिमम किताबों में दिया हुआ है बता दीजिएगा पहली बात तो यही पता होनी चाहिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा चलिएगा ऋषिता कह रही है सर जी सी होगा बिल्कुल सही है ऋषिता आपकी बात हमने मान ली जिन्होंने जिनका नहीं हुआ भाई साहब देखो बच्चों ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्राइगोनल प्रिस्मेट्री बना के भी दिखा देता हूँ आपको किताब में देखोगे वहां पे भी बना हुआ आपको मिल जाएगा देखो बीच में मोलिडिपीडियम होता है बस समझो समझ ये बाइडेंटेट होता है इधर देखो सल्फर आया इधर आपका सल्फर आया सल्फर के साथ यहाँ पे सी एच डबल बोन्ड सी एच फिर से सल्फर इस कॉर्नर पे होगा तो एक जो लीगेंट है ये बाइडेंटेट का बिहेव करेगा ऐसे ही एक सल्फर एक सल्फर ऐसे जुड़े होंगे एक सल्फर एक सल्फर ये ऐसे जुड़े होंगे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्रिस्मेट्री सही है कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर छ हो जाएगा कर लोगे यह भी बढ़िया सवाल था बोलो कर लोगे चलिएगा ध्यान रखना यार ऐसे ऐसे सवालों में गलती नहीं करनी दोस्तों आ जाओ अगला सवाल देखो ऑलरेडी पेपर में पूछ चुका है आर ई एच नाइन ये पेपर में ऑलरेडी पूछ चुका है क्या पता टी सी एच नाइन टू आपसे पूछ ले तो भाई साहब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर नो है तो ये टीटीपी ही बनेगा ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक बना दो और तीन कैपिंग कर दो एक दो तीन ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक कर लोगे ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आ चुका है क्या पता ये आपसे पेपर में पूछ ले बोलो क्लियर है चलिए आगे मूव हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं है अब तो बता दो यार इनमें से बताओ सिमिलर कौन सा नहीं है चार कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको कह रहा है इनमें बताओ सिमिलर कौन नहीं है बढ़िया क्वेश्चन है ये भी चार कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं आपसे कह रहा है इनमें बताओ सिमिलर कौन नहीं है बताओ यार यार ये तो होना चाहिए मेरे भाई ये सवाल तो होना चाहिए यार ये सवाल तो होना चाहिए कौन सिमिलर नहीं है अननोन साहब कह रहे सर पहला सिमिलर नहीं है और लगाओ दिमाग भाई साहब अरे यार वेरी सिंपल देखो सुनो ध्यान से देखो एस बी पी एच फाइव ये भी स्क्र पायरे होता है इंडियम हमने पढ़ा सीएल के साथ भी स्कर पायरे होता है फ्लोरिन के साथ भी ये भीमिडल है ये क्या है ये टीबीपी है ये टीबीपी है तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ फोर्थ आंसर आएगा करेक्ट डी विल बी द करेक्ट आंसर भाई डी विल बी द करेक्ट आंसर कर लोगे

मोस्ट स्टेबल स्क्वेयर पैरामिटल होता है अभी तो पढ़ा यार सर आईकोसा एडल में क्या था सब की एनर्जी क्या थी बराबर सब की एनर्जी क्या थी बराबर ध्यान रखना भाई साहब यहां स्प्लिटिंग नहीं होती एक्साइटेशन नहीं होता है बी आएगा बी आएगा भाई साहब अगला सवाल देखो द हाइएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल द हाइएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन सी एफ्टी डायग्राम ऑफ ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक ज्योमेट्री बता दो भाई साहब हाइएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक ज्यूमेट्री में बताओ यार ये तो होना चाहिए आराम से इतने आपने सी डायग्राम पढ़े अब सवालों के जवाब तो दो यार क्या सही आंसर होगा बोलो बी कह रहे हैं बी अरे यार अभी तो पढ़ा यार आपको बताया था ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक में जो छह के छी डी एक्सड एंड भाई बिल्कुल सही है डी वाई जेड विल बी द करेक्ट आंसर चलिएगा लास्ट सवाल देखो भाई साहब एक और सवाल बहुत बढ़िया सवाल एक और सवाल बहुत बढ़िया सवाल पढ़ लीजिएगा जवाब दे दीजिएगा कह रहा था डी आर एंड स्टेबलाइज सबसे कम स्टेबलाइज होते हैं इन CFT डायग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स किन कॉम्प्लेक्स में सबसे कम स्टेबलाइज होते हैं कौन से ऑर्बिटल डी एक्स एंड dyz ये तो होना चाहिए भाई साहब सोच समझ के जवाब दीजिएगा कह रहा डी dxz एंड dyz ऑर्बिटल आर लीस्ट स्टेबलाइज़ इन सी एफ टी डाइग्राम ऑफ टीबीपी पीबीपी स्क् स्क्र एंटी प्रिस्मेट्रिकिता आप गलत पढ़ गए सवाल को <laughs> इन तीनों में तो मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं अरे इन तीनों में और किस में ट्राइगोनल प्लेनर में इनमें तो मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं मोस्ट डी किसमें किस स्केयर एंटी प्रिसेमेट्रिक में या फिर ट्राइगोनल प्रिसेमेट्रिक में डी विल बी द करेक्ट आंसर कर लोगे समझा नहीं समझे विजय सोनी कह रहे हैं सर प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहे हाइएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन सी डायग्राम ऑफ ट्राइगोनल प्रिसेमेट्रिक ज्योमेट्री हाँ दोनों होंगे यार दोनों होंगे बिल्कुल सही है यार बिल्कुल सही है डी एक्स जेड भी होगा डी वाई जेड भी होगा भाई दोनों होंगे दोनों होंगे विजय सोनी दोनों होंगे भाई डी डी एक्स जेड जेड वाई दोनों थे बिल्कुल चेक कर लिया हमने यार दोनों होंगे सही है ना यहाँ हम यहाँ डी जेड डी जेड स्क्वायर कर लो यार डी जेड स्क्वायर कर लो फिर सवाल सही हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा डी वाई जेड कर लोगे तो यार ये था आपके पास सी एफ टी डाय दोस्तों लगभग जो हमने आज वादा किया था वो काम हमारा हो गया पूरा सर ओक्टा क्यूबिक टेट्राहेड्रल हेडरल स्क् स्क्र प्लेनर टी टी पी ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक स्क्र पायरल टीबीपी बीबीपी ट्राइगोनल प्रिजमेट्रिक स्क्र एंटी प्रिस्मेट्रिक, -प्रिस्मेट्रिक लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर सारे के सारे सी डायग्राम आज हमने कवर कर लिए हैं सही है आई होप अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करोगे जब मैं कोऑर्डिनेशन का मैराथन सेशन लेके आऊंगा दोस्तों उस सेशन के अंदर मैं आपसे जरूर पूछूंगा सी डायग्राम, तो आपको गलती नहीं करनी सही है आई होप अब आप समझ गए होंगे इनको अब आपको अच्छे से पढ़ना है सही है दूसरा जो बच्चे जिन बच्चों ने यार जो बार बार टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे थे जिनको लिंक नहीं मिल रहा इस वीडियो के लिंक के नीचे ध्यान दीजिएगा लास्ट ट्राइगोनल प्लेनर प्लीज हो गया विजय सोनी सीएफटी डायग्राम ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर कर तो चुके ट्राइगोनल प्लेनर हो चुका भाई हो गया हो गया हो गया यार कर तो लिया वो हमने सीएफटी डायग्राम हमने पढ़ लिया उसका भी सही है चलिएगा तो इसके साथ जितने भी सी एफ टी डायाम हमने पढ़े हैं यार इन सबको आप याद रखना अच्छे से मेहनत करते रहो सही है फिर भी कोई डाउट होता है तो चिंता मत कीजिएगा हम फिर से उसमें यार एक दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी ट्राइगोनल प्लेनर का सही है ना टी ट्राइगोनल प्लेनर में जो आपको दिक्कत हो रही है उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा जो एनर्जी वाला जो डायग्राम था ट्राइगोनल प्लेनर एक बार देख लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ Icosa, Adderall, ये रहा ट्राइगोनल, प्लेनर ये रहा। ट्राइगोनल प्लेनर में हमने ये सी एफ टी डाय बनाया था तो यहाँ पे देखो यार डी एक्स वाई इनकी तो एनर्जी सबसे ज्यादा जाएगी क्योंकि इनकी जो लोब है वो हमारे पास कहाँ लाई कर रहे हैं यार एक्स वाई अरे एक्स वाई से तो इनकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा जाएगी अब बात करें यार होना तो ये चाहिए था कि डी एक्सड डी वाई जड इसमें एक्स वाई कंटेंट आ रहा है इनकी एनर्जी ऊपर होनी चाहिए लेकिन डीजेड स्क्र की दी हुई है यार ये व्हीक इटर में भी दिया हुआ है इनकी एनर्जी का ऑर्डर तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें रेफरेंस बुक का ही मानना पड़ेगा सही है ना हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते यार कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली भी होती है उनको फॉलो करना पड़ेगा सही है ना बाकी ये सबसे ऊपर होंगे ये आप समझ गए हो क्योंकि सर जी एक्स और वाई प्लेन में लीगेंट आ रहे हैं ये तो सबसे ऊपर ही होंगे इनका थोड़ा यार याद रखना मैंने कहा था स्टार लगा लेना इसको सही है बाकी और भी अगर और किताबों में अगर कुछ वेरिएशन मिलता है तो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा चिंता मत करो सही है कर लोगे हाँ सुमित कह रहे हैं सर सी यू सी एल फाइव में हाँ सी यू सी एल फाइव में यार बोंडलेंथ सही बात है यार सी यू सी एल फाइव में जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं दो वो छोटे होते हैं और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं ड्यू टू जेटीडी वहाँ हमारे पास जड इन होता है अलोंग जेड एक्सिस जो दो बॉन्ड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं सही है चलिएगा ये सारी बातें आप याद रखना बाकी ये जो रेफरेंस डाटा था वो मैंने आपको बता भी दिया बुक से ही था सारा जितने भी सी डायग्राम वैसे अलग अलग बना के नहीं दे रखे हैं किसी भी किताब में जस्ट हमने रेफरेंस बुक से ही इसको कवर किया है सही है तो याद रखना यार सही है ये हुई कीटर का ही पेज है इसमें पूरा डाटा आप देख सकते हो जितने भी डायग्राम बनाए हमने इसी के बेसिस पे बनाए हैं इसी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर पे बनाए हैं तो टोटल बारह सी डायग्राम आप पढ़ चुके हो सवाल लास्ट टाइम टीबीपी का पूछा था तो नेक्स्ट टाइम मे बी कोई भी आपसे पूछा जा सकता है सही है कर लोगे चलिएगा दोस्तों तो फिर से जिन बच्चों ने यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और बाकी आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो यही नंबर है अठासी पाँच सौ ग्यारह पचपन छह सौ अठावन इंग्लिश में बोल देता हूँ डबल एट फाइव डबल वन डबल फाइव सिक्स फाइव एट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और किसी भी अगर आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या फिर कोई फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री बाई जेबी सर ऐप और अगर ऑफलाइन बैच भी अगर आपके दोस्त या आपके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ग्रेविटी जयपुर में भाई साहब ऑफलाइन बैच हमारे चल रहे हैं आप रिकमेंड कर सकते हैं सही है दूसरा जो भी बच्चे किसी प्रकार का कोर्स केमिस्ट्री पे ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले दोस्तों डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा चाहे यूट्यूब पे चाहे ऐप के ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है सही है तो थैंक यू सो मच बच्चों आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं फिर से मैं मिलूंगा आपको इसी तरीके से नौ बजे एक और कहानी के साथ एक और बढ़िया टॉपिक के साथ जो भी टॉपिक लेके आऊंगा उसको समझाऊंगा उसके क्वेश्चन करवाऊंगा और जो भी टॉपिक है उनको हम पूरा एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे सही है तो थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा धन्यवाद गुड नाइट आप सब जुड़े थैंक यू सो मच इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम टूगेदर वी मेक इट बिग डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री थैंक यू सो मच गुड नाइट दोस्तों और अपना रिव्यू करना ना भूलें यार सही है मिलते रहेंगे इसी तरह रात के नौ बजे डेली ऑन केमिस्ट्री बाई जेबी सर यूट्यूब चैनल चलिएगा एक बात और बच्चे पूछ रहे हैं यार बता देता हूं, कल का टॉपिक क्या रहेगा सही है तो कल का दिन आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा सही है छोटा सा टेस्ट होगा देखते हैं आप केमिस्ट्री आपको कितनी याद है तो कल का टॉपिक फिक्स नहीं है कल का आपका है सरप्राइज टेस्ट बस आपको ज्वाइन करना है चेक करना है आपको कितना याद रहा कितना नहीं रहा सही है तो थैंक यू सो मच पढ़ाई करते रहिएगा आप लगे रहिएगा टारगेट सी एस नेट जी आर एफ दो हजार बाईस